الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين قلبي بھی پہلے تو مجھے معذرت کرنی ہے کہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہمارا جو ویڈیو کلپس کا سلسلہ ہے وہ ڈسٹرب पहले मुझे कोरोना हो गया और ये तीसरी बार थी पहली दफ़ा कोरोना तकरीबन पाँच दिन ज़रा सख्त रहा था और फिर उसके बाद ठीक हो गया था लेकिन ये रेशे वाला मसला नहीं था दूसरी बार भी हुआ था लेकिन नॉर्मल सा ही हुआ था मैं सिर्फ हड्डियों का दर्द वग़ैरह और थोड़ा सा ज़ुकाम है लेकिन इस दफ़ा जो लगा है शायद ये वाला जो वायरेंट था ये घूम फिर के काफ़ी तब्दील शुदा शक्ल थी इसकी और ये तकरीबन तीन हफ्ते मुसलसल इसने तंग रखा है और इसका जो इस दफ़ा फिफड़ों पे काफ़ी असर रहा तक दो चार दिन तो मैं नमाज़ों से भी माजूर ही रहा बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती थी बहरहाल अब अलहमदिल्ला ठीक है लेकिन ये जिस तरह से बढ़ता जा रहा लगता है कि अगली बार फाइनली होगी बहरहाल कल फिर मैंने वक्त निकाला और तकरीबन आधे घंटे का क्लिप हो गया था बाद में सुना तो उसमें आवाज़ ठीक नहीं थी कल की वजह से फिर आज दिन भर फिर गला ख़राब रहा थोड़ा सा आराम आया था तो मैंने कहा चले ये उधार भी चुका देते हैं ये सूरह अलवा है ये बड़ी अजीम शान सूरत है इन मानों में कि इसमें सारी चीज़ें इस तरह जैसे सेगमेंट्स के अंदर समझा दी गई जब वाक्य हो जाने वाली वाकई होगी तो उसको जुटलाने वाला कोई भी नहीं होगा फिर कोई नहीं कहेगा कि क्या मत नहीं है जब ज़मीन हिला डाली मारी जाएगी और पहाड़ जो है वो राख बना खाक बना दिए जाएंगे धूल बना दिए जाएंगे और तुम तीन ग्रोह में बट जाओगे दो ग्रोह तो हमारे हम अंदर अक्सर व बेशतर रहते हैं हमारे डिस्कशन में असहबुल यमीन वह शिमान दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले और अबलमाना थी दाएँ हाथ वाले आप वो लश्कर में देखते हैं ना कहीं मैमना और मैसरा तो ये वो वाला है मैमना दाएँ हाथ वाले और मशामा बाएँ हाथ वाले यानी नहूसत वाले हाथ वाले क्योंकि जिसको नामा माल बाएँ हाथ में मिलेगा वो बड़ा मनहूस शख्स होगा और वो अपनी ज़ात के लिए खुद मनहूस होगा दूसरों के लिए कोई मनहूस नहीं होता आकुम आन जो कर तुम अगर थोड़ी सी तुम सोचो गौर करो तो तुम्हारी तुम्हारे अपने साथ है दूसरों को वो नुकसान नहीं पहुँचाती तो उसमें यह जिक्र किया गया दो जो है वो ग्रोह हमारे यहाँ काफी डिस्कस तीसरे वाला जो ग्रोह है जिसका यहाँ जिक्र क्योंकि वो थोड़े हैं तो जिक्र करने में उनका आखिर में रखा गया है। असाबुन असबल मकरबों ये जो सबकुन असबिकुन आगे निकल जाने वाले तो फिर आगे निकल जाने वाले हैं ये वो लोग हैं जो मुकर्रब होंगे तो दाएँ वाले भी अच्छे हैं अच्छा सूरत के आखिर में जब अल्लाह पाक ने अजर देने का जिक्र किया तो इन मक्रबों को पहले रखा है चूँकि अजर ज़्यादा है ना तो फिर देने में पहला नाम इनका रखा है फिर यमीन का और फिर अहबुल शिमाल का ज़िक्र किया तो ये कौन है ये वो हैं कि जो नेक की जन्नत के लिए नहीं करते वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए देखते हैं अल्लाह खुश हो जाए उनकी सारी दौड़ उनकी सारी मता उनकी सारी पूंजी उनका सारा सरमाया अल्लाह है और तो ये बात अल्लाह पाक ने कुर में फरमाई सारी जन्नत की नियमतों का जिक्र करने के बाद फरमाया वीन अल्लाह अकबर अल्लाह की रजा सब बड़ी चीज़ सब चीज़ों से बड़ी है यानी सहाबा वो हस्तियां हैं जो शायद अमल में आपसे कम है। यानी हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं जी इतने कुरान पढ़ दिए जी इतने कुरान पढ़ दिए जी उन्होंने शायद कुरान कम पढ़े हो इनसे इतने नफल पढ़ दिए रही पचास हज़ार नफल दी एक वज़ू में इतने जी उन्होंने ये ना किया नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गए हलचलाई ऊँटों के पीछे दौड़े बांधा उनको अशा कि नमाज पढ़ी सो गए सुबह उठे तहजद पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी नमाज फजर की पढ़ ली उन्होंने ये मामला उनका नॉर्मल नेचुरल जैनुअन उनकी ज़िंदगी थी उसमें कोई मशनूत नहीं थी कि जी जो ज़्यादा नफल पड़ेगा जो एक टांग पर खड़ा रहेगा जो उल्टा के वजीफ़ा करेगा तो सारे साहबा उस उसको पीर मारना शुरू कर देंगे और फिर वहाँ से सिलसिला चार पड़ेगा ऐसा नहीं उन सब एक दूसरे के पीर पीर भाई थे और उनके पीर जो थे मोहम्मद रसूल सल्ला वम थे लेकिन जो नमत उनको मिली है ना रदा का सर्टिफिकेट हम उससे महरूम हैं ये बहुत बड़ा इनाम है ये बहुत बड़ी फजीलत है सारी दुनिया के नेक इंसान जो है वो एक हो जाए वो किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने हालत ईमान में मोहम्मद रसूल अलैहि वसल्लम को देख लिया और आपने उसको देख लिया और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत मिल गई उसके बाद फिर कोई उनके बराबर नहीं हो सकता उनमें भी फिर वो जिन लोग उन्हें फ़तेह मक्का से पहले पहले किताल और इन्फाक़ किया वो और जो बाद में आए ईमान ले आए और फिर उन्होंने किताल भी किया और तीन भरे आज़म फ़तेह कर लिए और

हमारे लिए सब एक ही दर्जे के सहाबी हैं लेकिन अल्लाह फरमाना कि तुम में से भी फतेह मक्का से पहले किताल करने वाले आज़म जाते दर्जे में आजम है। तो अर्ज यह कर रहा था कि उनको जो रजा का सर्टिफिकेट मिला है वो रजा असलन नसबुलआन जिसे कहते हैं जिस पर आंखें टिकी हुई, हुई जन्नत एक जिमनी चीज रह जाती है वो इसलिए मांगी जाती है अम्बिया की दुआओं में भी कि वो एक ऐसा मुकाम है कि जिस पर ईमान लाना ईमानियात का हिस्सा है कि जन्नत अपना वजूद रखती है लेकिन जो काम करना है वो ये है कि इस वक्त मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है ये जो माइत है बन रब तो सब के ही साथ है ना वो जो वहां पांच लाख साठ हजार बन इसराइलियों का लश्कर पूरा जो है वो काफिला था तो अल्लाह तो सब के साथ लेकिन मूसा सलाम फरमा रहे हैं कि कल्ला माया मा नहीं फरमाया माया मेरे साथ मेरा रब है ये माइत वेरी वो माइत महसूस कोई कोई करता है। तो आप मरेंगे मट्टी हो जाएंगे हड्डियां खोखली हो जाएंगी कीड़े खा जाएंगे तीसरे चौथे दिन वो नाक से बाहर आ जाते हैं खाते खाते जनाब आलियाँ आंखें तीसरे दिन फूट जाती हैं फिर हम उठेंगे सदियों बाद पता नहीं कितनी सदियां आएंगे लोग कहते थे चौदहवीं सदी आखिरी सदवी या पंद्रहवीं लग गई है और शायद और पंद्रह सौ साल भी आएंगे क्या अभी करीब नहीं अभी ज़मीन जो है वो बड़े अल्लाह वालों से भरी हुई है बड़ी नेक हस्तियाँ हैं क्यामत उस वक्त आएगी जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह अल्लाह कहने वाला है बुखारी की रवायत जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा तो क्यामत आएगी अब तो भरी हुई है दुनिया अल्लाह वालों से इसलिए यह कहना के बाद अगले साल आ जाएगी बस अगले दो साल बाद दस दो हज़ार तीस में दिजाल निकल जाएगा और फिर जिन बंदों की रोज की आमत आती है हर साल की आमत आती है उन्होंने तरक्की क्या करनी है और उन्होंने आगे मुल्क का सोचना क्या है आप अंदाजा करें तो जनाब आपने जो काम किया है अगर इस नीयत से किया है कि फिर आप सदियों बाद हजारों करोड़ों साल बाद आप उठेंगे और फिर हिसाब किताब होगा और फिर आपको जन्नत मिलेगी तो अगर आप रब की रजा के लिए कर रहे हैं ना और रब उस वक्त आप पर राजी हो गए वो काम करते हुए किसी भूखे को जाके खाना दिया आपने आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान वाले आपके घिर तो मंडी भरी हुई है गरीबों की भूखों की जो बगैर कंबल के हैं जिन्हें कपड़े चाहिए गर्म लंडे से ले जाएं यार उनको जाके दें और यहीं रब को राजी कर ले छोड़े कि आमद का बाई का हिसाब हो नकद सौदा करें रब के साथ मतमह नजर रब की रजा ये ईमान के मेरा रब जब मैं ये दे रहा हूं तो मेरे साथ है जब मैं इस भूखे को जब इस बच्चे को जिसकी सिर्फ कमीज है वो भी फटी हुई है बाकी नंगा है इसको मैं कपड़े गर्म दे रहा हूं तो मेरा रब पास खड़ा देख रहा है जैसे आपका यही ईमान है ना फोटोग्राफर ले रहा है फोटो और आपके डाल देगा वो आ, सोशल मीडिया पर बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरा रब मेरे पास खड़ा है और वो मुस्करा रहा है कि देखो इसको कितना रहम आया इस पर मैंने इसको दिया है और इसने उसमें से इसको दिया है ये तसवर इन न मा या रबी मेरा रब मेरे साथ है बस वो राजी हो गए बात खत्म हो गई है यही मामला नमाज का है वो जो साबिकून है साबिकुन आगे निकल जाने वाले तो आगे निकल जाने वाले हैं किस में आगे निकल जाने वाले हैं जन्नत और जहन्नम से आगे निकल जाने वाले ये पीछे रह जाती है जन्नत और जहन्नम वो इनको पास करते हुए रब के कदमों में चले जाते हैं नकद जन्नत लिए फिरते हैं गालबन माम अबिन तैमिया का कौल है जेल में उन्होंने कहा था कि ये जे जो जेल में डाल के हमें समझते हैं कि हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं और ये इकतदार में बैठ के मौज कर रहे हैं हम जितने सुखी हैं जो इस वक्त हमारे सीने की कैफियत है रब के कुर्ब की वजह से अगर इन लोगों को पता चले जो समझते हैं कि जेल में हम इसीलिए लंबी जेल अक्सर वेशतर हमारे बुजुर्ग जो है इन्होंने जेलों में ही काम किए इमाम सरखसी रहा गलबन इनको अंधे कुएं में फेंक दिया गया था सजा के तौर पे वहाँ इन्होंने फिर कलम दवात और जो सामान था और कागज था वो मांगा और फिर उन्होंने वो तफसीर लिखी जिन जिसको बैलगाड़ी पे लाद के लाया गया बहरहाल तो अर्ज करने का मकसद ये है कि राबिया बसरिया ने कहा था कि अल्लाह अगर मैं ये नेकी ये नमाज ये नवाफिल ये रोज़े जन्नत की तलब में करती हूँ कि इनके बदले मुझे जन्नत मिल जाए तो जन्नत मुझ पर हराम कर दे और अगर मैं ये इसलिए करती हूं कि जहन्नम की आग से बच जाऊं तो जहन्नम मुझ पर वाजिब कर दे मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए करती हूं कि तू राजी हो जाए तू है ही इस काबिल कि तुझे सजदे किए जाए तेरी गुलामी की जाए तुझसे मोहब्बत की जाए ये टाफियां जो है ना जन्नत वाली ये सबब नहीं है तुझसे मोहब्बत का तेरे चेहरा अखदस की कसम तू है इस काबल के तुझसे मोहब्बत की जाए लालच में नहीं लालच में तो आप किसी मोहल्ले के बच्चे को भी देंगे तो आपको आगे गले लग जाएगा आपके और अल्लाह खैर चल तो ये आगे निकल जाने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहता हूं कि हुजूर की दुआओं की जो किताब है उसमें देखें अकीदा बनाया गया इंसान का अल्लाह अनता अक को ए अल्लाह तू सबसे ज्यादा हकदार है कि तेरे तस्करे हों तेरा जिक्र हो कोई आपका दोस्त पोस्ट लिखे मसलन वो जो लिखारी हैं उनकी पोस्ट लिखे या आ, किसी और मौजु पर लिखे और आपका नाम बोल जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो मजलिस इंसान के लिए हसरत बन जाएगी कि जिसमें अल्लाह का तस्करा नहीं किया गया होगा मीनार फात में वो जो तीन दिन होते हैं लोग बैठ के बस गप्पें लगाते हैं नमाज़ें पढ़नी होती हैं और तो काम कोई होता कोई नहीं है कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ होता है खा ली और गप्पे और पीछे फिर जितनी गीबत उन दिनों में होती है उन खेमों में जहाँ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था तो सदली से बैठ के गीबत करती कोई नंदों की नंद भाभीों की सास बहुओं की बहू अपनी सास की भाई भाई की पड़ोसी की बैठे लगे होते अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़ैजा कदे तो मनासिका कम फ़ज कर दिक्री कुम आबा कुम अशदा दिकरा जब तुम मनास का अदा कर लो और एक जगह जम के फिर बैठ जाओ ये जो तो दो दिन वहीं और कोई काम नहीं करना आगे पीछे कहीं नहीं जाना तो अल्लाह का जिक्र करो इस तरह जिस तरह तुम अपने बाप दादा का तस्करा करते हो उस तरह अल्लाह का तस्करा करो अशदा दिकरा या उससे बढ़ कर करो अल्ला का तस्करा अनता हक को मन ज़ुक सबसे ज्यादा हकदार है कि तेरे तस्करे किए जाए इसलिए कि अपने अंदर नजर डालो बाहर नजर डालो दाएं बाएं आगे पीछे देखो तो मैं अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा हर चीज तुम्हें अल्लाह याद दिलाएगी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास जो कुछ है तुम नंगे आए थे तुम्हारे पास जो कुछ है तेरे रब ने दिए जो सहूलत है उस पर नजर डालोगे पता चलेगा तो जब आपने दोस्त का आप देखते हैं तोहफा उसका देखते हैं कोई पेन कोई घड़ी कोई मोबाइल कोई कपड़े कोई जूते कोई खुशबू तो वो नज़र आता है कि नहीं आता तो जिस हस्ती की हर पल आपको जिस चीज़ पे नज़र पड़ती है वो उसकी निशानी है, होती है वो सूरज चांद हो दरख्त हो आपके रिश्तेदार हो आपकी जात हो आपकी औलाद हो बीवी बच्चे हो बहन भाई हों ये जो भी हैं अल्लाह कता है अल्लाह की, है, अल्ला की निशानियां हैं ना इन्हें देख के वो भूलता कैसे है और दोस्त की निशानी तो आपने दो साल चार साल बाद नकाली संदूक से तो आपको नजर आई तो याद आया वफी आया तो लिल्मूकन यकीन करने वालों के लिए जमीन भरी पड़ी उसकी निशानियों की वह फी अनफुसी कुम बाहर नहीं तुम्हारे अपने अंदर कायनात है अफला तब से रो और तुम्हारे अंदर वो बसीरत वाली नजर कोई नहीं तो सीधी रब तक बंदे को डाइवर्ट कर देती है तो वो मुकर्रा हैं जो तो जन्नत जहनम के कंसेप्ट से आगे वो इसलिए खैर करते हैं मेरे रब का हुक्म है ऐसी मेरा रब राजी होगा नुकसान हो गया कोई बात अगर इसमें मेरा रब राजी है तो कोई मसला नहीं जिना दुखा दिल भर राजी सुख उन्होंने तू वारे ये अगर आपको दुख मिला है तो कुरान ये कहता है कुल नहीं सीबा ना इल्ला माँ का था भला हमें कोई वाकया कोई हादसा कोई सानहा पेश नहीं आता मगर वो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा होता है वो मौलाना वो हमारा खैर खा है जिना दुखांत दिल बर राजी वो जो दुख तकलीफ हो जाइए जैसे हम ब्याह पर भी आई है इसलिए कि दर्जात की बुलंदी में इबादत नहीं मसायब मुश्किलत दर्जात बुलंद करती हैं और ये वो चीज है जो अम्बिया को भी मुश्किलों में मुसीबतों में डालकर उनके दर्जात बुलंद किए गए तो मियाम अमसा फरमाते जिन्हा दुखां ते दिल बर राजी सुख उन्ना तू वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन पे आ रहे ਔਰ ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਵਾ ਪੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਕੀ ਵਜੂਦ ਕੀ ਚਮੜੇ ਕੀ ਪੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮੀ ਜਾਵਾ ਤੇ ਜੇ ਸੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੋ ਰੱਬ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ वो दुख में राजी है मेरे नफ्स की रजा सुख में है मेरे रब का हुक्म दुख का है तो मैं अपने नफ्स के साथ खड़ा नहीं हाय मर गया और मुझे ये, ये 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 मैं अपने रब के साथ खड़ा हूँ कि ये दुख मेरे रब की रजा है तो इसमें मेरी रजा है जो तो किसी ने कहा था ना कि जो, क्या हाल अपने कहा जो उस बंदे का क्या हाल पूछते हो कि कायनात की हर चीज उसकी मर्जी से हो रही है तो कहा कि हजरत ये कैसे तो फरमाया कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे रब की मर्जी से हो रहा है तुम्हें वरा पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता मेरे पूरी कायनात जो भी हो रहा है वो मेरे रब की मर्जी से हो रहा और मैंने अपनी मर्जी रब की मर्जी में गुम कर दी लिहाजा गोया ऐसे ही है जैसे मेरी मर्जी से हो रहा मेरी मर्जी तो रही नहीं ना मैंने वो उधर जमा करवा दी तो ये सबसे सबसे आसान और नफ़े का सौदा यही है हम बचपन में अपने अपने अलग ले लेते थे वो जो भी चीज़ मिलती थी खाने को क्योंकि खाने की रफ्तार भी अपनी अपनी होती है तो जो देखता था कि अब मेरे पास थोड़े रह गए तो वो कहता था चलो यार इकट्ठे कर ले तो फायदे का सौदा यही है कि मर्जी इकट्ठी कर लीए रब न गिला शिकवा छोड़ दें दुख हो या सुख उसक। उसको रब की मर्जी समझें और अपनी मर्जी को राजी करें उस पर अपनी मर्जी बचा के रखना वो ला की नफी है वो जो कलमे की ला है ना वो ला ये कहती है कि तेरा कुछ भी नहीं सिर्फ इला नहीं तेरा कुछ भी नहीं इस ला का हक अदा कर हर चीज से हाथ उठा ले तो सुख मेरे नफ्स की रजा है अच्छा लगता है लेकिन अगर दुख आया तो ये दुख तुम्हें रब से बदजन न कर दे बदगुमान ना कर दे कहीं तेरे अंदर उसके इस फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज ना हो जिसे तूने खुद सेल्फ सेंसर्ड खुद ही दबा लिया हो यार अगर मैंने किसी को कहा ऐसे तो फतवा लग जाएगा कि तू तो काफर हो गया वो नहीं डर नहीं तेरे अगर अंदर है और तूने नहीं भी कहा तो अल्लाह को तो पता चल गया है ना अल्लाह पाक ने नबी के बारे में फरमाया फ़ला व रब का ला मैं नू ना हक यो हक के मुँह का फ़ीमा शाह मलाया जिदूफिया वह तस्लीम नहीं तेरे रब की कसम नहीं ये तब तक ममिन नहीं हो सकते जब तक के ये अपने फ़ैसले तुझसे ना कराएं और फिर जो तू फैसला कर दे उसके बारे में अपने नफ्स में कोई तंगी महसूस ना करें और इस तरह सरे तस्लीम खम करें कि गोया ये फैसला तूने नहीं किया इन्होंने किया अपने हक में इस हद तक अपने नफ्स को राजी करें इस बात पर कि यह फैसला मेरे हक में हुआ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और बड़ी प्यारी दुआ है आजजी का मुरक्का है यह अर्ज करते हैं अल्लाई आब दुख अल्लाह तेरा गुलाम आई एम योर स्लेव वनो आबदिक सन ऑफ योर स्लेव वनो आमातिक, तेरी लौंडी का बेटा हूं मैं फी कब्जातिक, तेरे कब्जे में हूं मैं मादिन फिया हुक्मुक मेरे अंदर तेरा हुक्म चल रहा है ये मोहम्मद तेरे हुक्म पर खड़ा है इसकी सांसें तू चला रहा है मादिन हुक्मक मुझ में तेरा हुक्म ही चल रहा है मेरे बदन के हर अज की हरकत तेरे हुक्म से चल रही है लोन फिया कवा उख मेरे बारे में तेरा हर फैसला चाहे उसमें मेरा नुकसान है या नफा है अदल फर्म है यह सवाल नहीं उठा पता नहीं जी हमसे क्या गुनाह हो गया इतना बड़ा गुनाह भी तो कोई नहीं कोई नहीं हो रब इस तरह तंगी और तकलीफ आती रहती है उसका मकसद ये नहीं कि रब नाराज हो गया कोई आपने ऐसा गुनाह किया और उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है नहीं दर्जात बुलंदी के लिए गुनाह आपके माफ करने के लिए जो हो चुके हैं आपसे आपका इम्तिहान लेने के लिए आदल उनफिया का नबी कह रहे अगर मुझे पत्थर मारे गए हैं दाश में तो ये अदली था तेरा तुमने तो जो फैसला किया है तेरे फैसले ही सही हुआ ना तंगिया तकलीफें जो तकलीफ है जो ना ये डाकू हैं ये ये ईमान लूट लेते हैं मुसीबत में बड़े बड़े नेक नेक जल्दी रुड़ते हैं नेक जल्दी रुड़ते हैं चूंकि उन्हें बड़ा जोम होता है ना वो नेक हैं अब उन्हें बुखार भी नहीं होना चाहिए उनके मुंह से निकल जाए बात पूरी होनी चाहिए जिसको बदवा दें उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए बच्चा उसका गिर के छत से मर जाना चाहिए उसने आपको नाराज़ कर दिया है वो जल्दी रुड़ते हैं जब तकलीफ आती है ना सबसे पहले नेक रुड़ते हैं वो जो गुनागार होता है ना वो फिर अपने आप को कोसता है तू कम ही तो कोई बंदे से पुत्राला कोई नहीं ना किता फिर तेनों रब क्यों दे वो अपने आप को मलामत करते उन्हें रब उठाता है उन्हें दर्जा तता फरमाता है तो तंगी या तकलीफ जो भी आए उसे रब का हुक्म समझ कर सबर के साथ उद खुल जन्नत अभिमा सबर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ वो जो तुम सबर करते रहे हो सारी जिंदगी सबरी ये ईमान सबर का ही नाम है इसलिए कुरान में फरमायाजी नबर वाम वो लोग जिन्होंने सबर किया और नेकियां करते रहे यानी एक आध मुसीबत आ गई ना तो बदन नफल छोड़ दी बस छडो जी कुछ नहीं रखे इन्हें नफलों च पढ़ पढ़ के मर गए फिर भी फला हो गया फला हो गया फला हो गया सबर उ सारे नुकसान सारी मुसीबतें सारी बीमारी बर्दाश्त करके फिर भी हम साले साल जारी रखे रब से नाराज होकर छोड़ नहीं दिए सा तो वैल्यू कोई नहीं जी न सबर हुआ तो साल तो वो लोग जो जन्नत और जहन्नम के कॉन्सेप्ट से आगे निकल गए सिर्फ रब की रजा उनकी जन्नत यही है वो लम्हा जब वो कोई नेकी करते हैं और ये यकीन के साथ कि मेरा रब यहाँ खड़ा है और मेरे इस अमल से वो खुश हो गया है वो उनका सीना भर जाता है वो सूट पहन के बंदा जब कंगी वाह के बाहर निकलता है तो महबूब की बस एक नजर जब उस पर पड़ती है तो उस राज़ी हो जाता है कीमत अदा हो गई रब पास खड़ा है रब देख रहा है मेरा रब खुश हो गया है मैंने रब को खुश कर दिया है बस मुझे रब की खुशी ही दरकार थी और मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद फिर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद पीछे बचे ही क्या कह कहें जिसका रब हो गया है उसका फिर पीछे रह के गया है सब कुछ उसी कह तो यह है अल्लाम अंत अहक मन दर व अक्को मन उबैद और सबसे ज़्यादा हकदार है कि उसकी गुलामी की जाए व अवसर उमानबी और सबसे कीमती चीज़ है कि जिसकी तलाश की जाए यानी सब कुछ दे कर एक रब मिल जाए तो आपने सब कुछ पा लिया इसलिए कि कीमती तरीन चीज़ जो कायनात की है अगर ये सारी गैलेक्सीज़ और इनके अंदर खरबों 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 जो सियारे हैं वो सारे सोने के बन जाएं और वो भी दे के आपको रब की रजा मिल जाए तो समझें कि आप जो है आपने सबसे कीमती मता जो है वो खरीद ली वह आवसारो मोने अगर बचाना है तो रब के साथ अपना ताल्लुक बचाओ बाकी हर चीज़ की कुर्बानी दी जा सकती है रब को हाथ से नहीं निकलने देना वो तेरी सबसे कीमती मत वह तो है व अरअ मलक मालकों में सबसे रैम दिल ही है शफीक ही है वह अजवा दो मन सोइल और सबसे बेहतरीन हस्ती जिससे सवाल किया जाए वो तू है उमन आता देने वालों में सबसे खुला हाथ मेरे मालिक तेरा तो ये है तो देता यह है ईमान इस ईमान के साथ हमने मरना हर बीमारी हर मुश्किल में कोई गिला करके उसको नाराज नहीं करना बस ये अगर आप कर गए तो मकसद पा गए वावाना ने हम दो